आकाशवाणी प्रस्तुत करता है कार्यक्रम मतदाता जंक्शन। जब जुड़े लोग से लोग, वोट से वोट बने, तब लोकतंत्र का सिस्टम। मतदाता जुड़ते जाए बने, तब ऐसा नया कनेक्शन। मतदाता जंक्शन #, मतदाता जंक्शन, स्वराज से मेरा तात्पर्य लोगों की सहमति से बनी भारत सरकार से है, जो कि सबसे बड़ी संख्या में वयस्क आबादी, पुरुष या महिला, मूल जनित या आदिवासी हैं, जिन्होंने राज्य की सेवा में शारीरिक श्रम द्वारा योगदान दिया है, मतदाता के रूप में अपना नाम दर्ज कराने का कष्ट उठाया। दोस्तों, अभी आपने ये शब्द सुने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के। उन्होंने ये बात स्वतंत्रता मिलने से कई साल पहले कही थी और उनके इस सपने को हकीकत में बदला हमारे संविधान ने, जो बात करता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की, यानी यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज की, और जो हम सबको बिना किसी जाति, धर्म, लिंग, भाषा, समुदाय, वर्ग, पंथ, किसी भी भेदभाव के बिना समान मताधिकार देता है। सब मतदाता एक साथ मिलने से अलख जगाएंगे, बिन लुभाव के, बिन दबाव के अपना बटन दबाएंगे। सब मतदाता एक साथ मिलने से अलख जगाएंगे, बिन लुभाव के, बिन दबाव के अपना बटन दबाएंगे। और दोस्तों, 1951-52 के पहले आम चुनाव से लेकर आज 18वीं लोकसभा के चुनाव तक हमारे देश के चुनाव को समावेशी और सुगम बनाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने वो हर प्रयास किया है, जिससे दुर्गम और दूरस्थ क्षेत्रों, पहाड़ों, रेगिस्तान, जंगलों, द्वीपों आदि में रहने वाले मतदाताओं तक पहुंचकर उनकी लोकतंत्र में भागीदारी को सुनिश्चित किया जाए, ताकि चुनाव सच्चे अर्थों में समावेशी यानी इंक्लूसिव और सुगम यानी एक्सेसिबल बने। और जरा सुनिए तो, आज के ये दोनों यंग वोटर्स रूही और ज्योति के मन में भी समावेशी और सुगम चुनाव के बारे में कई प्रश्न उठ रहे हैं। आइए सुनते हैं इनकी बात। आज का योग सेशन बहुत अच्छा था, है ना? आई एम फीलिंग सो एनर्जेटिक। अब इस एनर्जी को सही जगह लगाओ भी। क्या मतलब? मतलब ये रूही कि क्या तुमने वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक किया? बिल्कुल किया ज्योति मैडम, रजिस्ट्रेशन करवा लिया है मैंने, मेरा नाम वोटर लिस्ट में है और वोटर हेल्पलाइन ऐप से मैंने कंफर्म भी कर लिया है। तुझे पता है ये मेरा पहला वोट होगा। तभी तो, पहला वोट देना चूकना मत। पता है रूही, आज सोशल मीडिया के दौर में भी लोगों को जानकारी नहीं है कि अब 18 का होने का भी वेट करने की जरूरत नहीं, बल्कि 17 साल की उम्र से ही अब एडवांस में ही वोटर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अच्छा? हाँ, ताकि 18 का होने पर वो वोट कर सकें। अरे वाह, यंग वोटर्स के लिए तो ये बहुत अच्छा है। सिर्फ यंग वोटर्स ही नहीं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हर एक वोटर के लिए एफर्ट्स कर रहा है, ताकि हमारे देश के चुनाव इंक्लूसिव एंड एक्सेसिबल हो। अच्छा? हाँ, ताकि हर कम्युनिटी, जेंडर, कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज, अमीर गरीब, शिक्षित अशिक्षित, सभी इसमें शामिल हों। वाह यार ज्योति, वैसे तुझे इतनी नॉलेज कहाँ से मिली? अपने कॉलेज के इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब से। ओ अच्छा, पर ये तो बता, ट्रांसजेंडर, ट्राइबल ग्रुप्स, दिव्यांग लोगों और सीनियर सिटीजन्स के लिए क्या किया गया है? देख रूही, ECI की यही कोशिश है कि एक भी मतदाता ना छूटे, सबका नाम वोटर लिस्ट में दर्ज हो, और इसके लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को बहुत इजी किया गया है। अच्छा? तुझे पता है 2009 में फॉर्म में बदलाव करते हुए अदर्स का कॉलम ऐड किया गया था। ओ, जिसे बाद में 2014 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर थर्ड जेंडर कर दिया गया। वाह यार, और अब वोटर रजिस्ट्रेशन फॉर्म में थर्ड जेंडर का कॉलम होता है उनके रजिस्ट्रेशन के लिए। ये तो बहुत अच्छी बात है यार। और
अपने दिव्यांग साथी और बुजुर्गों के एनरोलमेंट और वोटिंग फैसिलिटी के लिए तो एक डेडिकेटेड मोबाइल ऐप है। मोबाइल ऐप कौन सा? वो ऐप है सक्षम ऐप। सक्षम ऐप, वाह क्या बात है। अच्छा ज्योति, हाँ हमारे कॉलेज के सेमिनार में भी तो यही बताया गया था ना कि अब साल में 4 बार वोटर रजिस्ट्रेशन हम ऑनलाइन या मैन्युअली भी फॉर्म 6 भरकर कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही कहा यार, आज घर पर अपने एरिया के BLO मतलब बूथ लेवल ऑफिसर आने वाले हैं। अच्छा, मुझे उन्हें दादाजी की डिटेल्स देने हैं होम वोटिंग के लिए। होम वोटिंग? यस, तू भी चल घर और आज एक्सेसिबल इलेक्शन के बारे में BLO से जानकारी ले ही लेते हैं। ज्योति यही है BLO सर? हाँ रूही यही है। आइए आइए BLO सर, प्लीज आइए। थैंक यू। अरे वाह, चाय तो पहले से ही तैयार है। लीजिए ना सर प्लीज। ज्योति जी ये है फॉर्म 12D, इसे भरकर अपने दादाजी के लिए घर से ही पोस्टल बैलेट की सुविधा से वोटिंग के लिए आवेदन करवा दीजिए। जी बिल्कुल। अच्छा तो मतलब सीनियर सिटीजन घर से ही वोट दे सकते हैं? हाँ बेटा जी, 85 वर्ष से अधिक आयु वाले बुजुर्ग और 40% से ज्यादा दिव्यांगता वाले दिव्यांगजन पोस्टल बैलेट की सुविधा से घर से वोटिंग करने के विकल्प को चुन सकते हैं। वाओ, तब तो वाकई इलेक्शन बड़े एक्सेसिबल हैं। बिल्कुल रूही। लेकिन अंकल मेरा एक सवाल है। पूछो। जहाँ पर ना तो सड़कें हैं ना यातायात है, वहाँ इलेक्शंस को कैसे एक्सेसिबल बनाते हैं? देखो बेटा, हमारी ट्रेनिंग के दौरान मैं कई ऐसे और BLO से मिला जिन्होंने पैदल चलकर, यहाँ तक कि पहाड़ों के रास्ते नाव से नदियां पार करके जंगलों में जाकर मतदाताओं तक पहुँचने का काम किया है। अच्छा। और ऐसे कठिन रास्तों और कठिनाइयों का सामना करते हुए इन जगहों पर पोलिंग अधिकारियों और कर्मचारियों ने पोलिंग बूथ बनाने का काम किया है। वाह, आई एम फीलिंग सो प्राउड। अंकल मैंने पढ़ा है कि कई जनजातियों ने तो 2014 के लोकसभा चुनावों में पहली बार वोट किया था। बिल्कुल सही कहा। बहुत से ट्राइबल ग्रुप्स और विशेष रूप से PVTG यानी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स को वोटर लिस्ट में शामिल करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। तभी तो हम कह सकते हैं कि इलेक्शंस इंक्लूसिव और एक्सेसिबल दोनों हैं। यस, एक एरिया के सभी एलिजिबल वोटर, चाहे वो महिला, पुरुष, थर्ड जेंडर, सीनियर सिटीजन, दिव्यांग, कोई भी हो, सबका नाम वोटर लिस्ट में हो, यही हमारी कोशिश है। और जब सबकी भागीदारी होगी तभी हम सही अर्थ में लोकतंत्र के महापर्व को मनाएंगे। वाओ, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ बिल्कुल। गांव गांव और शहर शहर में ये अभियान चलाएंगे, हर एक वोट बहुमूल्य है सबको ये बतलाएंगे। हर चुनाव में वोट डाल के, हर चुनाव में वोट डाल के अपना फर्ज निभाएंगे, अपना फर्ज निभाएंगे, अपना फर्ज निभाएंगे। हम हैं जागरूक मतदाता, हम हैं जागरूक मतदाता। भाई ये रूही, ज्योति और BLO ने तो बातों ही बातों में बड़ी जानकारी दे दी। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2014 के लोकसभा चुनाव में अंडमान और निकोबार द्वीप में रहने वाली पाषाण युग की अंतिम ज्ञात जनजाति शॉम्पेन जनजाति ने पहली बार वोट किया था और EVM मशीन को देखने की उनकी उत्सुकता भी देखते ही बनती थी। तो चलिए एक बार फिर चलते हैं ज्योति के घर, जहाँ अभी भी चर्चा जारी है। अंकल हमें और बताइए कि चुनाव आयोग की क्या क्या नई कोशिशें हैं ताकि बड़ी तादाद में लोग वोटर बनकर अपना वोट कास्ट कर सके। देखो ज्योति, वोटर को वोट करने में सुखद अनुभूति हो इसके लिए ईज ऑफ वोटिंग पर जोर है। अच्छा। भाई पोलिंग बूथ अब घरों के नजदीक बनते हैं, ग्राउंड फ्लोर पर होते हैं, दिव्यांग जनों और बुजुर्गों को पोलिंग बूथ तक आने जाने के लिए पिक एंड ड्रॉप की सुविधा दी जाती है। वाओ। उनकी लाइनें भी अलग हैं। दिव्यांगों के लिए व्हीलचेयर, रैंप तो है ही, साथ ही हर पोलिंग बूथ पर वॉलंटियर्स भी हैं हेल्प करने के लिए। ये तो बहुत अच्छी बात है। और सुनो बच्चों। हाँ जी। महिलाओं और पुरुषों की लाइन भी अलग होती है। महिलाओं की मदद के लिए बच्चों को संभालने के लिए क्रेश है। अरे वाह। फर्स्ट एड किट,
मेडिकल किट भी है, शौचालय और पीने के पानी की सुविधा भी है, और साथ ही साथ कुर्सियों का प्रबंध भी है। ओ भाई वाह, हमें बड़ी खुशी हो रही है ये जानकर। हाँ, और अंकल क्या हम जैसे फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए भी कुछ खास किया गया है? हाँ भाई हाँ, फर्स्ट टाइम वोटर के वोट को यादगार बनाने के लिए पोलिंग बूथ पर सेल्फी पॉइंट बनाए जाते हैं। अच्छा? हाँ, उनका स्वागत किया जाता है। वाओ, अब तो हम भी वोट करेंगे और सेल्फी लेंगे, क्यों ज्योति? हाँ रूही, बिल्कुल। अंकल, मैंने विमेन मैनेज्ड पोलिंग बूथ के बारे में भी पढ़ा था। सही पढ़ा है आपने, महिलाओं, दिव्यांग बंधुओं और युवाओं के द्वारा संचालित और प्रबंधित पोलिंग बूथ भी अब बनाए जाते हैं। इसका एक मकसद समावेशिता की झांकी प्रस्तुत करना है और उत्साह बढ़ाने का प्रयास है। ओ। और हाँ बच्चों, ऐसे बूथ पर सभी रजिस्टर्ड मतदाता अपना वोट देने के लिए जाते हैं। हाँ अंकल, पोलिंग बूथ को तो सजाया भी जाता है ना? न्यूज़पेपर में फोटो देखी है मैंने। हाँ हाँ, मैंने भी देखी है। बिल्कुल, और जानते हो, जनजातीय क्षेत्र में मतदान के लिए और अपनेपन का एहसास दिलाने के लिए वहाँ की प्रचलित चित्रकला और साज सज्जा के जरिए मतदान केंद्र को बनाया जाता है। वाह अंकल, हमें गर्व हो रहा है अपने देश की चुनावी प्रक्रिया पर। हाँ बिल्कुल, बेशक, तभी तो ये है चुनाव का पर्व, देश का गर्व। चुनाव का पर्व, देश का गर्व। वाह भाई, इस चर्चा में तो बहुत सारी जानकारियां भरी हैं। दोस्तों, चाहे हिमाचल के हिक्किम में ऊंचाई पर, गुजरात के गीर के जंगलों में एक मतदाता के लिए पोलिंग बूथ बनाना हो, चाहे अंडमान की शॉम्पेन जनजाति हो, झारखंड की बिरहोर जनजाति हो, सबको चुनाव में शामिल करने का काम किया गया है। तो जब इतना कुछ किया जा रहा है चुनाव को सुगम और समावेशी बनाने के लिए, तो फिर हम वोट जरूर डालेंगे। तो दोस्तों, क्यों ना हम सीधे भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार जी से ही इस पर कुछ जानें। 18 साल से लेकर 100 वर्ष से अधिक आयु की महिलाएं, पीडब्ल्यूडी, हर जेंडर, सभी हमारे प्राउड मतदाता हैं। और इस तरह हमारा रोल सर्वसमावेशी है, यानी इंक्लूसिव है, और पोलिंग को हम लगातार इंक्लूसिव और एक्सेसिबल, यानी समावेशी और सुगम बना रहे हैं। और दोस्तों, फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन मेरा वोट मेरी ड्यूटी के बारे में आपसे कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। तो सबसे जरूरी काम मतदान, देश को सपोर्ट करते हैं इसीलिए वोट करते हैं, मेरा वोट मेरी ड्यूटी। और अब समय है श्रोताओं से सवाल पूछने का। आपका जवाब हमें अगले सोमवार तक अवश्य मिल जाए, और साथ ही अपना नाम, पता, फोन नंबर जरूर लिखकर भेजें, ताकि आपके दिए पते पर आपका प्रमाण पत्र और पुरस्कार पहुंचाया जा सके। आप हमें अपने जवाब भेज सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9999031950 पर। नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए, 9999031950। और अब सवाल, आज का सवाल है, वोटर रजिस्ट्रेशन फॉर्म में अदर्स के ऑप्शन को बदलकर थर्ड जेंडर किस वर्ष से किया गया? ऑप्शन है 2006, 2014 और 2019। और पिछले एपिसोड के विजेता का नाम है काजल सारेपुत मेशराम, यवतमल महाराष्ट्र से, और सही जवाब है ECI.gov.in। आपको बहुत बहुत बधाई। भारत निर्वाचन आयोग के सौजन्य से आपका पुरस्कार आपके दिए गए पते पर जल्द भेज दिया जाएगा। तो अब हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे इसी दिन इसी समय। नमस्कार। जब जुड़े लोग से लोग, वोट से वोट बने, तब लोकतंत्र का सिस्टम, लोकतंत्र का सिस्टम। मतदाता जुड़ते जाए बने, तब ऐसा नया कनेक्शन, ऐसा नया कनेक्शन। मतदाता जंक्शन, हैशटैग मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन, हैशटैग मतदाता जंक्शन। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मतदाता जंक्शन। अगले सप्ताह इसी दिन इसी समय मिलेंगे, तब तक जुड़े रहिए आकाशवाणी के साथ।